जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टाइम्स। मैं अपराजिता पांडे आज की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। झारखंड राज्य में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार घटता जा रहा है। गुरुवार को 695 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं 1778 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 16 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें बोकारो, गढ़वा, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा और सरायकेला के एक एक, धनबाद के दो, पूर्वी सिंहभूम के तीन तथा रांची के पाँच मरीजों की मौत हो गई है। गुरुवार को 27,394 लोगों के सैंपल लिए गए थे और 29,155 सैंपल की जांच हुई है, जिसमें 2.38% संक्रमित मिले हैं। राज्य में अब तक 82,78,972 लोगों की जांच हो चुकी है। इनमें 3,34,730 संक्रमित मिल चुके हैं और 3,16,707 स्वस्थ या डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं कुल 4,926 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस समय राज्य में कुल एक्टिव केस 1,397 है। रांची में 3,349 एक्टिव केस हैं। आइए अब जानते हैं कहां कितने संक्रमित मिले। बोकारो 32, चतरा 10, देवघर 35, धनबाद 76, दुमका 5, पूर्वी सिंहभूम से 67, गढ़वा से 3, गिरिडीह से 43, गोड्डा से 1, गुमला से 40, हजारीबाग से 42, जामताड़ा 18, खूंटी 19, कोडरमा 18, लातेहार से 35, लोहरदगा से 22, पलामू से 37, रामगढ़ से 42, रांची से 89, साहिबगंज से 11, सरायकेला व सिमडेगा से 19 व पश्चिमी सिंहभूम से 12 नए संक्रमित मिले हैं। आइए अब जानते हैं कहां कितने डिस्चार्ज मिले। बोकारो से 100 डिस्चार्ज हुए, धनबाद से 169, पूर्वी सिंहभूम से 200, गुमला से 149, हजारीबाग से 137 व रांची से 275 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। अन्य जिलों में भी 13 से लेकर 90 तक मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले में 4.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और गांव के ही आरोपित 45 वर्षीय महेश महतो को गिरफ्तार कर लिया। घटना मंगलवार की देर शाम की है। इधर मामले को लेकर बच्ची के पिता ने बुधवार को मांडू थाना में आवेदन देकर आरोपित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बच्ची के पिता ने पुलिस को बताया कि मंगलवार की शाम उसकी बच्ची अपने घर के निकट खेल रही थी, तभी गांव का एक युवक मेरी बच्ची को बहला फुसला कर अपने घर ले गया और घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद रोते हुए उसकी बच्ची घर पहुंचकर आपबीती सुनाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपित के खिलाफ कांड संख्या 108/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। वहीं बच्ची को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भी भेजा गया है। बारिश के बाद भी रांची के 27 केंद्रों पर जारी है कोरोना का टीकाकरण। ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है एंटीजन टेस्ट अभियान। रांची में कल से ही यास का असर देखने को मिल रहा है, लगातार बारिश हो रही है। इसके बाद भी रांची के 27 टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना का टीकाकरण अभियान अब भी जारी है। जिले में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए 27 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्र में 19 और ग्रामीण क्षेत्र में 8 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद स्लॉट बुक कर चुके लोगों को टीका दिया जा रहा है। रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों में पंचायत टास्क फोर्स की टीम सर्वे और जांच के लिए घर घर पहुंच रही है। मंगलवार को रांची जिला के विभिन्न पंचायतों में 1,17,010 लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई और इनमें 3,549 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया। इनमें 27 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। झारखंड में लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब यह आंशिक लॉकडाउन 3 जून सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान पूर्व की पाबंदियों को यथावत रखा जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने ई पास में कई संशोधन किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन यह है कि मीडिया कर्मियों, वकीलों सहित सरकारी कर्मियों और अन्य कई को ई पास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि उन्हें अपने साथ मान्यता प्राप्त आधार कार्ड रखना अनिवार्य होगा। जानिए इन सेवाओं के लिए ई पास की जरूरत नहीं।
केंद्र सरकार और उससे संबंधित संस्थानों के कर्मियों को पास की जरूरत नहीं। सभी न्यायिक अधिकारियों, वकीलों, कानूनी सलाहकार, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट व ट्रिब्यूनल के कर्मियों को भी पास रखने की जरूरत नहीं, परंतु उन्हें मान्यता प्राप्त आई कार्ड रखने की जरूरत होगी। झारखंड सरकार और उससे संबंधित संस्थानों के सभी कर्मियों को, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, कर्मियों और हॉस्पिटल से जुड़े लोगों को भी, प्रेग्नेंट महिला और मरीज जब डॉक्टर से चिकित्सा सेवा लेने जा रहे हो तो उनके पास पर्चा ही काफी है, उस पर्चे के बलबूते ही वो वहां तक जा पाएंगे, ई पास की जरूरत नहीं। कोविड 19 वैक्सीन लेने जा रहे लोगों को, सोशल और प्रिंट मीडिया से जुड़े कर्मियों को, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जा रहे लोगों को भी ई पास की जरूरत नहीं, अपने साथ यात्रा टिकट रखना ही काफी होगा। परीक्षा देने जा रहे छात्र छात्राओं को अपने साथ साथ एडमिट कार्ड रखना होगा, ई पास की जरूरत नहीं। किसानों को अपने कृषि उत्पाद बेचने हेतु आने जाने के लिए, परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों व वहां प्रतिनियुक्त शिक्षकों को भी ई पास की जरूरत नहीं। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू है, बिना पास के लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों को हो रही है जो अकेले रह रहे हैं, पास बनवाने और जरूरी सामान लाने भी नहीं निकल पा रहे हैं। अब ऐसे बुजुर्गों का सहारा जिला प्रशासन बनेगा। प्रशासन ने लॉकडाउन में बुजुर्गों की परेशानी को देखते हुए उनके लिए नंबर जारी किया है, वे 9693859914 या फिर 9608916492 नंबर पर कॉल कर जरूरत की चीजें मंगा सकते हैं। उनकी जरूरत के हर सामान को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल करके इस नंबर से मदद ली जा सकती है। इस पहल की शुरुआत पर डीसी छवि रंजन ने लोगों से नंबरों को ज्यादा से ज्यादा फोन कर लाभ उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इन नंबरों के जरिए वॉलंटियर्स आपकी सहायता करेंगे। कोरोना संक्रमण के दौरान बुजुर्गों को समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, जल्द से जल्द उन तक सहायता पहुंचाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के इटावा से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां धूमधाम से चल रहे एक शादी समारोह में उस समय कोहराम मच गया जब दुल्हन की ही मौत हो गई। विवाह की रस्में पूरी होने ही वाली थी कि अचानक 7 फेरों से पहले दुल्हन की मंडप पर हार्ट अटैक से मौत हो गई। मामला इटावा के भरथना इलाके के गांव समस्तपुर की इस घटना ने सभी को दंग कर दिया। दुल्हन की मौत के बाद भी शादी कराई गई। कुछ ही घंटों में मृत दुल्हन की छोटी बहन से दूल्हे के 7 फेरे करा दिए गए। इस दौरान मृत दुल्हन का लाश घर में ही रखा गया। बेहद गम के बीच मृत दुल्हन की छोटी बहन को दूल्हे के साथ विदा कर दिया गया। रात करीब 8:30 बजे से द्वारचार के शादी समारोह चल रहा था। शादी की रस्में कराई गईं। दुल्हन और दूल्हे ने एक दूसरे को माला पहनाई। दुल्हन की मांग भी भर दी गई। 7 फेरों के लिए कन्या वर दोनों पक्षों द्वारा तैयारियां की जा रही थी। दुल्हन मंडप में थी तभी रात करीब 2:30 बजे दुल्हन अचानक बेहोश हो गई। स्थिति बिगड़ती देख दुल्हन को गांव में निजी चिकित्सक को दिखाया गया, लेकिन दुल्हन यहां तक भी सही सलामत नहीं पहुंच सकी। चिकित्सकों के मुताबिक दुल्हन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। खुशी के मौके पर दुल्हन की अचानक मौत से हाहाकार मच गया। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं झारखंड की हर वो छोटी बड़ी लेटेस्ट खबरें।